जी डॉक्टर कैश, चले आपको सर्दियां हैं, हाँ, आपको जा रहे हैं, नहाना भी होता है, हाँ, कम नहाना कम हो जाता है लेकिन, हाँ, नहाना फिर भी होता है, बिल्कुल। तो ऐसा सोप मैं आपको बना के बताऊंगा जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा बल्कि मॉइस्चराइज करेगा, ये बहुत, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं नहाने से कि स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा पानी यूज करने से। ऑफकोर्स मैं हमेशा कहता हूँ एज अ डॉक्टर हमें साल भर ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी नहाना चाहिए। लोगों से ये भी कहना चाहूंगी वो सर्दियों में अगर कम शावर लेते हैं इस सर्दी के मारे तो बीमारियां ज्यादा, बिल्कुल सही, नहाने से शावर लेने से कितने सारे जरासीम से आप दूर रहते, सो वो वाली चीज जो फ्लू वगैरह हो जाए कितनी तकलीफ होती है, गला खराब हो जाए, नजला हो जाए, सो आप ना कुछ खा पी सकते हैं ना प्रॉब्लम, मतलब शादियों में जाना है अगर कहीं भी तो वो आप अपनी तबीयत की वजह से ही जा सकते हैं, तो बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात ये भी कि ये सोप जो है आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा, मॉइस्चराइज भी रखेगा और ड्राइनेस भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, इसका नाम है गुड मॉइस्चराइजिंग सोप, इसका नाम ही गुड मॉइस्चराइजिंग, जी से ग्लिसरीन जो एक चम्मच है जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, 1 teaspoon ऑफ व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, ये भी अवेलेबल है पंसारी की दुकान पे, 1 teaspoon ऑफ लिक्विड पैराफिन और इसको डी से डिस्टिल्ड वाटर में ऐड किया है, ठीक है। इसको मैं चारों चीजें आपको ऐड करके बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। एक चम्मच आपने ग्लिसरीन दिया है, ठीक है, अच्छा, इसको फिर आपने एक चम्मच व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन लिया है, ये भी आपको बाहर से मिल जाएगा, ठीक है, ये तो लिक्विड होगा जी, ये तो लिक्विड मिक्स है और लिक्विड पैराफिन है आपके साथ, और आपका डिस्टिल्ड वाटर जो आपका रेगुलर है वो आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो साबुन कैसे बनेगा? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, अब आपने इसको मिक्स करके, हाँ, आपने इसको जैसे वो आइस क्यूब्स की ट्रेज होती है उसमें, हाँ, आपने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है, इसका क्यूब निकालेंगे तो एक क्यूब की तरह निकल आएगा, अच्छा, ये तो इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सोप, ठीक है ना। और रिपीट करें, श्योर श्योर, इसके अंदर ग्लिसरीन मैंने ऐड किया है, ग्लिसरीन सबसे पहले एक चम्मच आप ग्लिसरीन लीजिए, 1 teaspoon ऑफ व्हाइट सॉल्ट पैराफिन, 1 teaspoon ऑफ लिक्विड पैराफिन और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक एक चम्मच सब लेना है आपको, ठीक है। इसको आपने आइस क्यूब में या आपने इसको किसी कंटेनर में करके फ्रीजर में रख दिया ताकि फ्रोजन हो गया है, ठीक है, फिर आप बाहर निकाल दीजिए इसको, नहाते वक्त आप इसको एज अ सोप यूज कर सकते हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देखे होंगे, सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत अच्छे हैं, सफाई हो जाएगी, सफाई भी हो जाएगी और सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ये पॉलिश रखेगा, जो ड्राइनेस हो जाती है, लोग अक्सर डरते हैं बहुत ज्यादा नहाने से, बहुत ज्यादा सोप यूज करने से ड्राइनेस हो जाती है, तो वो नहीं होगा। हाँ ये अलग बात है कि जो मॉइस्चराइजिंग सोप्स होते हैं अवेलेबल मार्केट में काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ये आपका बहुत सस्ते में बन जाएगा और तकरीबन पूरा आपका सीजन निकल जाएगा आपका विंटर्स का। जबरदस्त, जबरदस्त। अस्सलाम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।